अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है तो मैंने सोचा सबको पहले जुम्मा मुबारक कर लेते हैं। तो मैं जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने, तो मेरे साथ रहिए। आपको भी दिखाते हैं अपनी एरिया की मस्जिद। डेगनम सेंट्रल मस्जिद बेकन ट्री की मशहूर रोड ग्रीन लेन के ऊपर वाकया है, और इसको बेकन ट्री मॉस्क भी कहा जाता है। तो चलें आज आपको दिखाते हैं कि मस्जिद कैसी है अंदर से और बाहर से भी कैसी है। तो मेरे साथ रहिए। अल्लाह का शुक्र है, पार्किंग भी मुझे आज मस्जिद के करीब ही मिल गई है, क्योंकि एरिया में पार्किंग तो फ्री है, मगर जुम्मा का दिन होता है और सब ही बंदे आगे पीछे से आते हैं तो पार्किंग फुल हुई होती है। तो अल्लाह का शुक्र है पार्किंग मुझे मिल गई। अब चलते हैं मस्जिद की तरफ, आपको दिखाते हैं मस्जिद भी अपनी। मेरे साथ रहिए। COVID-19 के पेश नज़र मस्जिद में मास्क पहनना और अपने घर से जाय नमाज लेके आना लाजमी है। तो मैंने मास्क भी पहना हुआ है और जाय नमाज भी मैं अपनी घर से ही लेके आया हूँ। तो चलते हैं मस्जिद की तरफ, आपको दिखाते हैं अपनी मस्जिद। मेरे साथ रहिए। COVID-19 के पेश नज़र मस्जिद में 3 नमाजें होती हैं। फर्स्ट नमाज 12:15 पे होती है, दूसरी नमाज 12:45 पे होती है, और तीसरी नमाज 1:15 पे होती है। इमाम साहब ने आज खुतबे में ये बयान किया है कि हमें इशा की नमाज और फजर की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करनी चाहिए, ताकि इससे हमें पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सारी नमाजें मस्जिद में बाजमात अदा करें। الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم التاريخ العمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وخض عليه تعليما وتعلما. मस्जिद इंतजामिया ने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ताकि आपको मस्जिद की सारी अपडेट्स मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज तो अदा हो गई, अब चलते हैं घर और शाम को काम पे भी जाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।